हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन का सेकेंड सीरीज़, और उसमें हमने लगभग 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है। जो पहला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है वो है व्यापार कर। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, यानी जो नॉलेज पार्क कहाँ बन रहा है। तो नॉलेज पार्क नोएडा में बन रहा है। ठीक है, तो नॉलेज पार्क की स्थापना नोएडा में की जा रही है। राष्ट्रीय जैविक केंद्र की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय जैविक केंद्र, नेशनल बायोटिक सेंटर गाजियाबाद में। तो राष्ट्रीय जैविक केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में की जा रही है। उच्चतम साक्षरता वाला जिला, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो साक्षरता है वो किस जिले में है, वो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मैत्री बस सेवा शुरू की गई है किन दो देशों के बीच। तो मैत्री बस सेवा इंडिया और नेपाल के मध्य शुरू की गई है, यानी ये जो मैत्री सेवा है वो बनारस से काठमांडू तक शुरू की गई है। सातवां क्वेश्चन देखिए, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। जनरथ क्या है? तो जनरथ एक क्या है, ये एक बस सेवा है। जनरथ क्या है? उत्तर प्रदेश में बस सेवा है, एसी बस सेवा है। उत्तर प्रदेश, 9th क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर है केंद्रीय विश्वविद्यालय? झांसी में। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोक आयुक्त कौन है। तो विशंभर दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सोनभद्र से कितने राज्यों की सीमा लगती हैं। तो ध्यान रखना है कि उस सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा लगती है। पहला मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा लगती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया। बौद्ध धर्म में मानसून के समय बौद्ध भिक्षुओं को किसी एक निश्चित स्थान पर रहना होता है और इसे वर्षावास कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम वर्षावास मनाया। विज्ञान नगरी अवस्थित है। तो विज्ञान नगरी कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है। तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा आपको PDF फाइल में मिल जाएगा।
तो 15 क्वेश्चन थे ये। ये वो क्वेश्चन हम शामिल करते हैं जिनकी उम्मीद है एग्ज़ाम में आने की। थैंक यू।